नौ पो दी रात साहिबजादे ते माता गुजर कौर जी गंगू पापी दे घर कढ़दे हन। चोरी गंगू ने कर ली है, माता जी ने देख लिया है पर इग्नोर कर दिता कि चल कोई गल नहीं। माता जी मोह माया तो उपर हन, सवेर चढ़ी है ता गंगू ने आप ही रौला पा दिता कि माया इत्थे नहीं है, कित्थे गई। एक पंजाबी च कहावत सुनदे हैं, नाले चोर नाले चतर, ये वो गल हो गई। सवेरे उठ के जदों माता जी ने कहा गंगू कोई गल नहीं, जे तू कि गलती ना रख दी कोई गल नहीं, माया अस होर लै ली ते पुत्रा रौला ना पा। पर कित्थे मनदा है, ते उस वेले फिर उसने होर रौला पाया कि तुसी मेरे उत्ते तोहमत ला दिती है। रौला पाउंदा पाउंदा घर तो बाहर निकल गया, मां सोभी भी कुछ ना कर सकी। उस वेले माता जी अजे घर दे विच ही हन, अपने पोतरियां नू छोटियां नू लै के। एक उस वेले लाचारी बेबसी दी हालत है, तुहानू लगेगा किदां दी गल कर दिती, पर बहुत औखा समां सीगा उस वेले, क्योंकि अगे भी गल कीती है एक पासे बिरध माता है एक पासे बचपना है। पापी दा मन नहीं भरिया, काश किते उस दुष्ट दे अंदर 1% भी दया आ जांदी, पर नहीं। उसने फिर उस वेले अपने पिंड दा जिहड़ा मोहतबर बंदा सी उन्नू जाके दसिया, उसने घर दे उत्ते पहरा बिठा दिता। दोने जाने जाके मरिंडे दे विच जिथे कोतवाली है उत्थे जानी खां ते मानी खां नू जाके शिकायत कर आउंदे हन। ओह दोने जाने उसे वेले अपनी गार्द लै के इत्थे आ के गंगू दा घर जिहड़ा पिछे है, असी हुण ते मेन रोड ते खलोते हाँ, गंगू दा घर जिथे अटक साहिब है उत्थों आ के घेरा पा के माता जी नू ते साहिबजादियां नू कैद कर लैंदा है। ये उस वेले दा मेन रस्ता सी, इत्थे तक वह पैदल लिआंदा गया उन्हां नू। और जिथे हुणे गुरद्वारा साहब तुसी दर्शन कर रहे हो पिछे, इसका नाम गुरद्वारा रथ साहिब है, बाहर भी रथ बनिया होया है और उत्थे फोटो बनाई हुई है माता जी ते साहिबजादियां दे, उस दृश्य नू रूपमान करती हुई इस थान तो उन्हां नू रथ च बिठाया गया। इतों फिर अगे मोरिंडे लिजाया जाता और फिर कोतवाली साहब वाले स्थान पर पहुँचते हैं। दस पोह की रात जिहड़ी हुण मोरिंडे बतीत होनी है उत्थे जाके उत्थे दे इतिहास की सांझ पाउने हाँ। जानी खां ते मानी खां माता जी नूं ते साहिबजादियां नूं कैद करके मोरिंडे तो रथ साहब वाले स्थान तो इत्थे लै आए हन। ये है जी गुरद्वारा कोतवाली साहिब जिहड़ा मोरिंडे शहर के बिल्कुल विच है। बाहर तो नवी इमारत बन गई है गुरद्वारा साहिब की, अंदर कोतवाली है। ये उही असली कमरा है जिथे उन्होंने एक रात वास्ते कैद रखा गया। अज धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का प्रकाश है, संगत नतमस्तक होन आउंदियां हन। जिहड़ा लोहे का गेट लगा होया उसनू ये भी उस समय का ही है। एक भरा इत्थे पहरा दिंदा है ते दूजा इत्थों वजीर खान नू सरहंद रिपोर्ट करन वास्ते चलिया गया कि छोटे साहिबजादे ते माता साढ़े कब्जे विच हन। सोचो उस वेले दी रात माता जी लई ते साहिबजादियां लई किदां दी होएगी। माता जी ने उस वेले तन तन श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी की शहीदी की गल, गुरु तेग बहादुर महाराज साहिब जी की शहीदी की गल ते पुत्रां नू समझाया कि पुत्रो सच ते लड़न वालियां नू हमेशा कुरबानियां करनियां पैंदियां हन, पर कूड़न खुट्टे नानका ओड़क सच रही, सच च रहना दिक्कत वाला है पर अखीर च कूड़ दा नामो निशान मिट जांदा है ते सच सदीव काल है। जे सदीव काल है तां अज साहिबजादियां नू माता जी नू हर थां थां ते जिथे जिथे ओह रात रुके हन जिथे जिथे ओह दिने रुके हन नमस्कारां हुंदियां हन। कौन पुछदा है वजीर खान नू? इत्थे माता जी ने बच्चियां नू समझाया जिओ असीं गुरबाणी च पढ़दे हाँ, ज्यों मंदर को थम है थमन त्यों गुर का शब्द मन है अस्थमन। जिवें एक बिल्डिंग नू थम जिहड़े आ उस लेंटर नू थम के रखते हैं संभाल के रखते हैं, तीवें ही गुरु का शब्द गुरबाणी का शब्द जिहड़ा है मन नू थम के रखता है, मन नू कंट्रोल करता है, तगड़ा करता है, पकड़ के रखता है। ये बहुत जरूरी है। अज के समय के असी गुरबाणी तो दूर हो के निरा अपना नुकसान ही नहीं किया, पूरा समाज का ताना बाणा ही बिगाड़ लिया है। गुरु साहब ने गुरबाणी विच कहा है मन ना डिगे तन काहे को डराए। जे किसी का मन कमजोर ना होवे उस दे तन नू जिन्ने मर्जी तसीए दे दिते जाण ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ
होर महान महान शहीदां दीआं गल्लां कर लो, चाहे वह पुरातन होण मौजूदा समें दे होण, इह जिहड़ी दृढ़ता मन दी है सदा कम आउंदी है। मन ना डिगे तन काहे को डराए, चरण कमल चित रहो समाए। ये बहुत जरूरी है कि चित जिहड़ा उस परमेशर दी याद विच पक्का जुड़िया होवे, फिर वह मन स्थिर हो जाता है। फिर ये दुनिया के डरावे धमकियां तसीहे जिहड़े आ वह डुला नहीं सकते। गुड़ती तो आनंदपुर साहब तो ही दित्तियां जा रही सी, पर हुण ज्यों ज्यों पेपर आउंदा है त्यों त्यों जिवें असीं रिविजन करते हाँ, इत्थे रिविजन हो रही है गुरु अर्जन देव साहब जी दी शहीदियां दी। उत्थों ज्यों लड़ी चली फिर सारियां शहीदियां दीआं यादां कराईआं जा रही हन कि पुत्रो हुण तुहाडा पेपर परचा पैणा है, तुसीं वी उह पास करना है। और वह पेपर तो पास कर गए, असी कितने खलोते हाँ, ये सानू देखना बहुत जरूरी है। अज के समय के पंजाब जिहड़ा गुरां दे नाते वसदा सी उजड़दा जा रहा है। अद्धे पंजाब नू अज पंजाब छड़ के दिल्ली बैठना पै गया, कुछ नशियां दे विच रुड़ गया। आओ वीरो भैणों, हर तरह दीआं बुराइयां कुरीतियां समाजिक कुरीतियां तो ग्रेज करिए, गुरु साहब दे नाल गुरु साहब की बाणी दे नाल गुरु साहब के इतिहास के नाल प्रेम करिए, जो साड़ी गुरु साहब के चरणों में बाण आवे, गुरु के चरणों के असी प्रवान हो जाइए। इतों फिर अगे साहिबजादियां नू फिर अगली जिहड़ी यात्रा है सरहंद की शुरू होनी है, उस सांझ आप जी दे नाल अगली वीडियो विच पाई जाएगी। ये 10 पोह की रात विछड़न तो बाद चौथी रात जिहड़ी उन्होंने कोतवाली साहब की कोतवाली में गुजारी, लंबे समय तो एक कोतवाली सरकारी तौर पर वरती जाती सी, अज देखो उन्होंने 300-300 साल बाद भी स्थान प्रगट हो रहे हैं। गुरु साहब कृपा करन जी, होइयां भुलां की मुआफ़ी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।